देखिए, एक लड़की है भावना, आप जानते होंगे, वो आहत हो गई है। वो यूट्यूब की जी भावना है, वो आहत हो गई है। और वो आहत इसलिए हुई है कि लव जिहाद का नाम हमने ले दिया। एक फिल्म आ रही है तूफान, तूफान का ट्रेलर आया। तूफान के तेल, अब हमारा तो बहुत ही सांप्रदायिक चश्मा है ये वाला, ठीक है? तो इससे सब कुछ सेफ्रोन ही सेफ्रोन दिखता है, भगवा दिखता है, हरा दिखता नहीं है। तो जैसे ही हरा इसमें प्रवेश करने की कोशिश करता है तो हमारा लव जिहाद का इंडिकेटर जल जाता है। तो वैसा ही उस फिल्म तूफान में जल गया, जो अजीज अली और पूजा शाह की कहानी बताई गई है। तो वैसा जला, अब जलते जलते फिर लौ तो जंगल की आग आप जानते हैं कि वो कहाँ तक जाती है। तो फिर वो प्रश्न भी उठा के हवस का पुजारी क्यों, हवस का इमाम बुखारी क्यों नहीं। तो इस जी प्रकार के कुछ प्रश्न उठे, और कराची वुड पर भी प्रश्न उठे कि जब अनजाना अनजानी जैसी फिल्म होती है जिसमें हीरो हीरोइन दोनों ही हिंदू हैं, लेकिन वो गाना गाते हैं तू न जाने आसपास है खुदा, तो यहाँ पे ये क्यों खुदा हुआ है और ये PWD वाले क्यों नहीं उसको ठीक कर रहे हैं, ये सब प्रश्न भी उठने लाजमी होते हैं। तो वो जी सब प्रश्न उठे, और जब वो प्रश्न उठे तो भावना हमारी आहत हो गई, उसको बुखार हो गया, कोरोना हो गया, और उसके बाद यूट्यूब ने उसको उड़ा दिया। उसको उड़ाने के साथ साथ हमें भी जेल में डाल दिया। तो ये छोटी सी कहानी है, जी तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारों, ये कहा था अमिताभ बच्चन ने फिल्म लावारिस में। न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है, जिसका कोई है उसका भगवान होता है, और जिसका भगवान होता है उसके और भी बहुत होते हैं। शुभचिंतक। नहीं समझे? YouTube ने बाबा पर बैन क्या लगाया, शुभकामनाओं और शुभचिंतकों का तांता लग गया। आज बाबा उन सब का धन्यवाद करने आए हैं जिन्होंने बाबा की आवाज बनकर बाबा की आवाज और बुलंद कर दी। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। किसी महापुरुष ने कहा है, जो दे सके उसका भी भला और जो ना दे सके उसका भी भला। और एक महापुरुष ने कहा है, आपदा को अवसर में बदल देना चाहिए, और कभी कभी सचमुच आपदा आपके लिए अवसर का काम करती है। कभी होता है ना, आपको थोड़ी सी चोट लग जाए तो दूर दूर से आपके मित्र रिश्तेदार हालचाल पूछने चले आते हैं, जो अन्यथा आपके लिए इतना समय ना निकाल पाते वो भी समय निकाल कर आते हैं। कोई आपके लिए फल लाता है, कोई फूलों का गुलदस्ता। घर वाले जो आपको दिन रात कोसते रहते हैं, काम करवाते रहते हैं, वो भी अचानक से मेहरबान हो जाते हैं। आपकी पूरी सेवा होती है, सब कुछ हाथ में मिलता है, और दिन में 10 बार पूछा जाता है कुछ चाहिए तो बता देना। और तो और, आपकी पत्नी भी आपसे प्यार से पेश आती है। जीवन में असली VIP वाली फीलिंग कभी आती है तो चोट लगने पर ही आती है, और ऐसी ही चोट बाबा को मिली YouTube की ओर से। और YouTube ने फरहान अख्तर की फिल्म तूफान का लव जिहाद उजागर करने पर बाबा के चैनल को 7 दिन के लिए वनवास पर भेज दिया। एक बार तो लगा कि बिना ब्रह्म ज्ञान के बाबा को अब कौन पूछेगा, लेकिन 50,000 सब्सक्राइबर वाले इस चैनल पर पहली ही वीडियो को आपने 1 लाख से भी ज्यादा व्यूज दिए तो विश्वास हो गया कि आप भी बाबा से वैसा ही सच्चा प्यार करते हैं जैसा अब्दुल अपनी बकरी से करता है। तो सबसे पहले धन्यवाद तो आपका, दर्शकों का। कुछ दर्शकों का तो इतना प्यार है, कहते हैं रोज रात को आपका वीडियो देखे बिना नींद नहीं आती। कसम से गब्बर सिंह वाली फीलिंग आ गई। यहाँ से 50-50 कोस पर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। कुछ दर्शक तो सीधा कह रहे हैं बताओ बाबा कहाँ पर आना है। आप सभी के इस निश्चल प्रेम से मुझे एहसास होता है कि मेरा दायित्व कितना बड़ा है। मैं उन मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस मुद्दे को अपने प्लेटफॉर्म पर उठाया और पूरी प्रखरता से उठाया। सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन कुछ एक उदाहरण सभी की ओर से लेते हुए सभी का आभार प्रकट करना चाहूंगा। ऑफ इंडिया ने इस विषय को उठाते हुए जो रिपोर्ट निकाली है वो आपको एक बार पढ़नी चाहिए।
इसलिए नहीं कि उन्होंने मेरा बचाव या समर्थन किया है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जिन बातों को स्थान दिया है, जिन विषयों पर ध्यान आकर्षित किया है, वो शायद मेनस्ट्रीम मीडिया में और कोई मीडिया हाउस नहीं कर पाता। उन्होंने बहुत रिसर्च करके उन बारीकियों को निकाला जिसके कारण ये चैनल बैन हुआ है। और सबसे बड़ी बात, हवस का पुजारी और हवस का इमाम बुखारी वाला डायलॉग भी रखा है। इस एक लाइन को लिखने के लिए ऑप इंडिया की पूरी टीम को मेरा साधुवाद। साथ ही इंग्लिश मीडिया की बात करें तो मैं सिर्फ न्यूज़ का जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने वो मुद्दा उठाया है जो कम लोग उठाते हैं। YouTube की नीति को उन्होंने वामपंथी, जिहादी और वोक नीति कहते हुए उनकी तटस्थता पर प्रश्न उठाए हैं। उन्होंने भारत सरकार को भी लपेटते हुए बताया है कि बांग्लादेश जैसे देश भी डिजिटल मीडिया में अपने नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बेहतर ध्यान रख पाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित लोगों का समर्थन जिस प्रकार मिला है वो अप्रत्याशित है। वरिष्ठ शिक्षाविद मधुकेश्वर हो या राष्ट्रवादियों का समर्थक समूह स्मार्ट, उन्होंने संपूर्ण समर्थन की घोषणा की। कैपिटल टीवी के प्रखर राष्ट्रवादी प्रखर श्रीवास्तव हो या न्यूज पोर्टल ट्रिनिकल, सभी का साथ देने के लिए विशेष आभार। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा भारत सरकार का भी, जिन्होंने पूर्व में ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नकेल ना कसकर बाबा को क्रांतिकारी फील करवाया। धन्यवाद तूफान फिल्म के एक्टर फरहान अख्तर और राकेश ओम प्रकाश मेहरा का भी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके चैनल और वीडियो को रिपोर्ट कर करके पहले वीडियो को उड़वाया, फिर चैनल पर बैन लगवाया। अरे इतने बिजी लोग होते हैं, फिल्म बनाना, उसका प्रचार करना, टीवी पर इंटरव्यू देना, इन सब के बीच में ये भी ध्यान रखना कि कौन उनकी पोल खोल रहा है और किसका मुंह बंद करवाना है। कोई छोटी बात है क्या? समय भी लगता है, मेहनत भी और पैसा भी। सबसे अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे विशेष लोगों का, यूट्यूबर्स, मेरा वो परिवार जो सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर कुछ मित्र कुछ प्रश्न उठा रहे हैं, उन्हें पढ़ते हैं। एक समर्थक कपिल मिश्रा और उनके हिंदू इकोसिस्टम के लिए लिख रहे हैं कि 800,000 लोगों ने मिस कॉल किया था, बाबा के लिए कुछ तो करो। आगे वो शेफाली वैद्य, स्वामी यति नरसिंहानंद जी, आनंद रंगनाथन, सुरेश चव्हाण के और सभी यूट्यूबर्स को संबोधित करते हुए कहते हैं, और भी बहुत हैं पर कम से कम आप लोगों से तो उम्मीद है। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि ये समर्थक ऐसा भोलेपन के कारण कर रहे हैं, अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के कारण कर रहे हैं, किसी द्वेष या मतभेद के कारण नहीं। उन्हें निराशा होती है और वो स्वाभाविक है। लेकिन मेरे मित्रों, आपको ये समझना पड़ेगा कि कपिल मिश्रा जो काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है, और ज़रूरी नहीं है हर कोई हर लड़ाई लड़े उसमें भाग ले। लगान फिल्म याद है ना, फील्डिंग करते हुए पूरे 11 के 11 लोग एक ही बॉल के पीछे भागेंगे तो क्या होगा, मैच जीतेंगे क्या? इसलिए हर फील्डर की एक पोजीशन होती है, अपनी एक भूमिका होती है, और इन सभी लोगों से बाबा मिलते रहते हैं और आपसी सहयोग चलता रहता है। यही स्थिति किसी पार्टी के आईटी सेल या किसी भी संगठन के कार्यकर्ताओं या स्वतंत्र राष्ट्रवादी योद्धाओं की है। इसलिए किसी को मदद ना करने के लिए गाली देना उचित नहीं है। इससे हम उनके साहस को भी तोड़ते हैं और उनके अच्छे कामों की अवहेलना भी करते हैं। हम उनकी जगह होंगे तब पता चलेगा कितना त्याग, कितना तप, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सब अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से सहयोग करते हैं और इस बार भी कर रहे हैं, इस बात पर निश्चिंत रहें। अच्छा, एक महानुभाव है जो बाबा को ही ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं, जब अंकुर जी पर FIR हुई तब तुमने वीडियो बनाया, ट्विटर ट्रेंड चलाया, जब AKTK पर आरोप लगा तो तुमने वीडियो बनाकर सपोर्ट किया, अब जब तुम पर YouTube का फतवा आया तब ये दोनों कहाँ भाग गए? अरे महानुभाव, आपको अंदाजा भी है ये सब यूट्यूबर्स बाबा के लिए क्या कर रहे हैं? अगर ये यूट्यूबर्स ना होते तो बाबा का मुद्दा इतना बड़ा कभी ना बनता। और जो इस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, वो इसलिए कि अंकुर जी ने अपनी कम्युनिटी पर पोस्ट करके सबको यहाँ पहुँचाया, और ये चैनल भी यूट्यूबर्स के सहयोग से ही बना है। ये यूट्यूबर्स ही हैं जो समर्थन में लिख रहे हैं, बाकी ये लोग बाबा के लिए क्या कर रहे हैं ये आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, बहुत जल्दी। यही आज का ब्रह्म ज्ञान है। याद रखो, ब्रह्मास्त्र तरकश में संभाल कर रखे जाते हैं सही समय के लिए।
अगर आप भी बंद मुट्ठी की ताकत को पहचानते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।